पापा है ना रात को 3 बजे आए, तो जैसे उन्होंने गेट खटखटाया तब मैंने गेट खोला तो पापा ने तुरंत मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। मेरा नाम खुशबू है, मेरी एज 22 है। मेरी शादी 2012 में हुई थी जब मैं 15 साल की थी। मेरी शादी 15 साल की इसके लिए हुई थी क्योंकि मेरे पापा मुझको बेचना चाह रहे थे। मेरे पापा गलत काम करते थे, लड़कियों को लाते थे, उनसे शादी करके उनको बेच देते थे। मैंने पापा को समझाया, पापा मत करो मत करो, पापा ने मेरी बात नहीं माने, बिल्कुल भी नहीं माने। जब उनके पास पैसा ख़त्म हो गया तो पापा वाला घर बेचने वाले थे, तो मैंने ऑप्शन उठाया, पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप घर बेच दोगे तो भैया बहन मम्मी ये कहाँ जाएंगे। तो पापा कह रहे मेरी मर्जी, मेरा घर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तू कौन होती है बोलने वाली। तो मैंने भी उनके FIR लगाई उनके नाम से। मैं अपने हस्बैंड के साथ मथुरा रहती थी किराए पर, तो मेरे पापा वहाँ पर आए, धमकी दे के गए ये केस फेस बंद कर दे नहीं तो वो हाल कर दूंगा कि शकल दिखावे लाख नहीं रहेगी तू। पापा है ना रात को 3 बजे आए, तो जैसे ही उन्होंने गेट खटखटाया तो मैंने गेट खोला तो पापा ने तुरंत मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। ऐसा लगा कि मेरे चेहरे पे किसने बहुत तेज आँच लगा दिया। मैं अपने हस्बैंड के ऊपर गिरी, और मेरे हस्बैंड के ऊपर भी थोड़ा तेजाब है, और मेरी बच्ची के भी ऊपर है, मेरे भी ज़्यादा है। जब पुलिस आई तो मुझे मथुरा जिला हॉस्पिटल सरकारी है उसमें मुझे एडमिट किया। तो उस दिन रविवार था, जो उस दिन अटैक हुआ तो उस दिन कोई डॉक्टर नहीं था, और मेरी उस दिन जान बहुत खतरे में थी, तो डॉक्टर भी ने भी हाथ जोड़ लिए थे, कह रहे यहाँ से इसको ले जाओ, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम इसको नहीं बचा पाएंगे। तो नकलों में मेरी सर्जरी हुई, पहले हुई मेरी आईज़ की, मेरी आँख पलट गई थी तो मेरी आँख सही करी, फिर उसके बाद मेरा हाथ जुड़ गया था। जब मेरा इलाज नोच का चल रहा था, मेरी माँ मुझसे पीछे ख़त्म हुई। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे भाई बहन है, वो ही मेरे लिए हिम्मत है सबसे ज्यादा। मेरी माँ, मेरे बाप ने मेरे माँ के साथ, हम लोगों के साथ बहुत बुरा करा है। मैं चाहती हूँ उनको बहुत कड़ी से कड़ी और सजा, वो मर जाए तो बढ़िया है, हम लोग जी रहे हैं, हम लोग जी लेंगे। मैं चाहती हूँ जो एसिड फेंक है ना, उसको बीच चौराहे में खड़ा करके उसके नहीं तो हाथ पैर काट दो, नहीं तो उसको फांसी हो जाए सारी। मैं अभी इस रोज होम में रह रही हूँ और यहीं अपनी ड्यूटी करती हूँ, ये मेरा घर जैसा है, और भैया लोग हैं मेरे पापा जैसे हैं, मुझे कभी कमी नहीं होती कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भैया बहन नहीं है, ये मेरे लिए सब लोग कुछ सब कुछ है मेरे लिए। गेस्ट आते हैं उनका वेलकम करते हैं हम लोग, उनका ऑर्डर लेने जाते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग पढ़ाई करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं और डांस भी करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पर। यहाँ लगता है कि मैं कुछ कर रही हूँ और आगे कर पाऊँगी। मुझे डर लगता था कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ देंगे शायद, क्योंकि आजकल मैंने सुना है दुनिया में कि सबसे ज़्यादा चेहरा मैन होता है, कि नहीं मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं, उनने नहीं सोचा कि मैन चेहरा होता है। मेरी बेटी भी स्कूल जाने लग गई है, मेरी बेटी 5 साल की है, उसका नाम त्रिशा है, अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, कुछ तो कुछ बनाऊंगी, क्योंकि सरोज होम पे बॉयज लोग अलाउड नहीं है, ओनली गर्ल्स, तो इसके लिए तो वो मुझसे कह रहे हैं मैं किराए पे मकान ले लूँगा, तो हम लोग पूरा फैमिली रहेंगे।